पेपर सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। ये क्लिक, पेपर पे क्लिक करा, पेपर पे क्लिक करते ही इसकी विंडो आपके सामने आ जाएगी इस तरीके से। सॉल्व ऑल क्विज 3 टाइम्स, हर क्विज को 3 बार करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है, कितने सवाल आपके सही हुए हैं राइट में, कितने आपके रॉन्ग हुए हैं, गलत हुए हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। आपने कितना स्कोर करा है, मार्क्स आपको हैंड टू हैंड दिखाता रहेगा। यहाँ आपको सवाल लिखा हुआ दिखाएगा इंग्लिश के अंदर, इधर आपको लिखा हुआ दिखाएगा हिंदी के अंदर। इसके बाद ये पेपर के ऑप्शन है ए बी सी डी, तो ये ए बी सी डी आप सवाल पढ़िए और जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो बटन वहाँ पर ये रेड कलर का टेक्स्ट आ जाएगा, तो वो सेलेक्टेड सेलेक्टेड ऑप्शन आप कितनी भी बार बदल सकते हैं, पर सबमिट करने के बाद नहीं। एक बार आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको नीचे दिखा देगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। राइट आंसर इज ए, इस सवाल का सही आंसर ए है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको अगला सवाल दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 2। आपका राइट कितना हुआ, एक, उसके मार्क्स कितने मिल गए, 2। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। आप स्क्रीन को रोटेट करेंगे तो सवाल साफ साफ दिखाई देगा। ऑप्शन सेलेक्ट करें और सबमिट बटन पे क्लिक करें। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको हैंड टू हैंड सही जवाब दे देगा। नेक्स्ट, आप यहाँ पर देखें तो ये जो नंबर आ रहा है ये रैंडम ऑर्डर में आता है। सबमिट, नेक्स्ट, ये देखिए 3 के बाद 31 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। तो ये जितनी भी बार आप क्वेश्चन रन करेंगे ये सवाल आपका रैंडम ऑर्डर में बदलता जाएगा, कौन से क्वेश्चन नंबर पे हुआ, और ये रैंडम ऑर्डर में सवाल आता रहता है। सेलेक्ट करें ऑप्शन, सबमिट पे क्लिक करें, सबमिट पे क्लिक करते ही आंसर एंड टू एंड देख लें। जैसे इसका आंसर गलत हो गया, राइट आंसर इज बी, तो आप सवाल पढ़ लें वापस से, इंग्लिश में इधर है हिंदी में इधर, सवाल पढ़िए और सही आंसर इसका क्या होना चाहिए वो हैंड टू एंड आप चेक कर लें और याद भी कर लें। ये क्विज इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपको सारे आंसर परफेक्टली याद करवा देगा, पर उसका यही तरीका है कि आप हैंड टू हैंड आंसर देखें, सवाल दोबारा पढ़ के सही आंसर को दोबारा पढ़ लें। ये देखिए आप कौन से क्वेश्चन नंबर पे हैं, कितने आपने सही करे हैं, कितने गलत किए हैं, मार्क्स आपके यहाँ शो कराता जाएगा। अगर आपने बिना ऑप्शन सेलेक्ट करे सबमिट बटन पे क्लिक करा तो ये आपको कहेगा कि ए बी सी डी में से एक बटन सेलेक्ट करिए। अगर आपको सवाल पूरा नहीं दिखाई देता तो आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, इसको स्क्रीन रोटेट करा सकते हैं, ऑटो रोटेशन आपको ऑन करके रखना पड़ेगा पहले। ये ऑटो रोटेशन का बटन है, ये आपका ऑन रहना चाहिए। 18, 70, 35 सवाल, हर सवाल के 2 नंबर, तो टोटल 70 नंबर का पेपर है। आपके कितने सवाल सही हुए, 9 सवाल, 9 सवाल के 18 नंबर आपको मिल गए। आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, 35 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे। रिजल्ट, फेल इन पेपर, पास इन पेपर, पेपर 1 कर रहे हैं तो पेपर 1 लिखा हुआ आएगा, 2 कर रहे हैं 2 लिखा हुआ आएगा, और उस पेपर की डेट लिखी हुई आएगी।